चलिए, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राधे राधे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है, और आपसे कह रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। चलिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये है आपके बरेली, बरेली जो कि आपसे बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो आपका है इनमें से कौन है, मतलब आपसे पूछा है जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में। तो आप कहेंगे सर ये है गाजियाबाद, गाजियाबाद इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। याद रखिएगा कम क्षेत्र में लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो जनघनत्व है देखा जाए तो आपका 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए लखनऊ, फिर संत रविदास नगर ये आपके आते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे न्यूनतम कौन सा है, बता सकते हैं, ये तो सबसे ज्यादा हो गया, लेकिन अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ललितपुर है ना। ललितपुर जो आपका है, ललितपुर ये सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला यूपी का है, 242 व्यक्ति लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश भैया तो गाजियाबाद होते उत्तर प्रदेश ही है, गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 83 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाए आपके उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपने अगले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, चलिए हमने आगे वाले को ध्यान नहीं दिया है इसलिए कहते हैं नंबरिंग कर देंगे तो याद रहेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया है ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ से, तो आपके रामपुर से, ठीक है, रामपुर से। अगला है गोकुल ग्राम योजना का संबंध किसे है। गोकुल ग्राम, गोकुल से आपको लगा गोकुल में क्या है, गैया है, और जब गैया है तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है गोकुल जो आपका ग्राम योजना है, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। इसके तहत गांव गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधारण किया जाता है ताकि अच्छे नस्लें यहाँ पर तैयार की जा सके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। तो लोकायुक्त तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, क्योंकि जब नियुक्ति करेंगे तो भैया यहाँ पर त्यागपत्र भी इनको देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, देखिए राष्ट्रीय सॉरी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये फुर्सतगंज में है। कहाँ पर है, तो आपका फुर्सतगंज जो आपकी अमेठी में है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है वही वाला बरेली वाला जो आपका है, कौन, बरेली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी है और आपके उत्तराखंड में है, आपकी है थारू जनजाति, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कह रहा है आपसे किस्सा है ना राधा कन्हैया के लेखक कौन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है यहाँ पर जैता, ठीक है, जैता इसका आंसर आपका हो जाएगा, जैता यहाँ पर आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है सिग्मो है ना, और दिया है यहाँ पर घोड़े, और दिया गया है मोडनी, ये गोवा के हैं, कहाँ के हैं, गोवा के हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहां, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, याद रखिए चौथा अधिवेशन जो था 1888 में। और यहाँ पर देखा जाए इसके बाद फिर आपको कह सकते हैं 1892 में, फिर 1910 में, है ना, यहाँ पर 1905 में, है ना, 1916 में, इस प्रकार से होते रहे, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो 92 का ऑप्शन बनेगा, आप कहेंगे सर इसका जो आंसर डी हो जाएगा, प्रयागराज से जो हल्दिया है, प्रयागराज से हल्दिया जो कि वाटर हाईवे 1 है ना, इसकी लंबाई आपकी 1620 किलोमीटर आपकी है, यह सबसे लंबा वाटर हाईवे है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सोनभद्र में भैया चूना पत्थर आपको मिल जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर मिल जाएगा। यहाँ पर प्रयागराज में सीसा बालू मिल जाएगी, ठीक है, सीसा बालू। ललितपुर में दोस्तों तांबा मिल जाएगा आपको, ठीक है, तांबा मिल जाएगा। मिर्जापुर में क्या मिलेगा, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है अलीगढ़ किसके लिए, आप कहेंगे सर ताला के लिए, ये तो सही दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो मुरादाबाद पीतल के लिए भी सही दिया है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मेरठ दिया है चाकू के लिए। हमने कहा सर चाकू जो आपका है ना ये होए चाकू जो होता है रामपुर, है ना, रामपुर होता है, और जो मेरठ है किसके लिए, तो मेरठ है खेल कूद के सामान के लिए जाना जाता है, खिलौने के लिए जाना जाता है। अगला है कि हस्तनिर्मित कागज का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो ये होता है आपके जालौन क्षेत्र में, है ना, इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, मथुरा, जालौन, कालपी जो आपका है ना, लुगदी के लिए सहारनपुर जाना जाता है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है गीडा क्या है। गीडा ये आपने पढ़ा होगा सर, गीडा जो आपका है GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पर देखा जाए इसकी स्थापना 1989 में यहाँ पर की गई थी ताकि तीव्र औद्योगिकरण हो सके, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये गीडा है वैसे ये आपका जीडा है ना, मतलब गीगा सीडा ये आपके रीडा आपके देखने को मिलेंगे। अगला है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी कहाँ पर है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो ये बताइएगा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है कहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए 97 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके रामपुर में है, ठीक है रामपुर में है और काफी टेक्नोलॉजी तरीके से है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे सर गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर में भी आपकी है, गोरखपुर में कौन है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया है, वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया है, इस बात को याद रख लेना है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके कहाँ पर है, गोरखपुर में है। अब आपके लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में है इंदिरा गांधी, क्या है इंदिरा गांधी जो आपका है, इंदिरा गांधी ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। यहाँ पर देखा जाए प्रयागराज जैसे आपको मिलेगा प्रयागराज में, तो प्रयागराज में है जवाहर नक्षत्रशाला है। यहाँ पर देखिए आपका एक पॉइंट होता है कि जो भैया जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है इसका दूसरा नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है, अच्छा देखिए ये जो दिया गया है आपसे अहरौरा, ये अहरौरा आपको है ये मिर्जापुर में है, कहाँ पर है, ये आपकी मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में। यहाँ पर अड़वा जो दिया गया अड़वा ये आपकी भी मिर्जापुर में है, ये भी कहाँ है, तो आपकी मिर्जापुर में है। यहाँ पर बघेलखंड कहाँ पर है, बलरामपुर में, कहाँ है आपके बलरामपुर में, बलरामपुर में। अब यहाँ पर जब बदुआ, बदुआ जो आपका है बांका बिहार में है, ये जो आपका है बांका जो कि आपके बिहार में है, बिहार में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आपका नहीं है। 99 की बात करते हैं तो आप देखिएगा गेहूं में है, जौ में है, गन्ना में है, लेकिन चावल में नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्योंकि चावल में पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आपके श्रमिक हैं वो नियोजित हैं ये कौन से कृषि क्षेत्र पर आपके हैं, किसमें है, तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं जो आपके कर्मकार हैं, तो इसका आंसर आपको बनेगा 100 नंबर का ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। यह है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। 281 नंबर का जो ऑप्शन है आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम पांच सबसे बड़े नगर इनमें से हैं क्या, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जनसंख्या में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ हो जाएगा। बाकी आपको पता है जनसंख्या में जो यहाँ पर है, आपके इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद तो आपका नंबर वन आपका होगा ही होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको कठिन नंबर बताया है कि आपको धैर्य रखना है, आपको हर प्रकार के चाहे सरल पेपर हो कठिन हो सब कुछ सॉल्व करा रहे हैं। एक मॉडल पेपर आपको मिला, अभी आपको कठिन में और मिलेंगे सरल मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना जो शुरू की गई थी वो किसके लिए शुरू की गई, तो दोस्तों याद रखिए लड़कियों के लिए स्वास्थ्य शैक्षणिक मानक, याद रखिए लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, क्लियर है 2019 में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है संगम योजना का उद्देश्य क्या है, संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, जो विकलांग लोग हैं उनकी वृद्धि करना है ना, किस चीज का उनकी यहाँ पर उनकी वृद्धि करना, किस चीज के लिए, कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए वृद्धि करना है। अगला दिया गया है कि PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं PAC विद्रोह ये 1973 में हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका है क्या, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आपके आपके आगरा में है, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। चलिए 87 नंबर में देखिए चेरो है, गोंड है, खरवार है, लेकिन सहरिया जनजाति, याद रखिए जो आपकी सहरिया जनजाति है ये आपकी नहीं पाई जाती, याद रखिएगा ठीक है, ये ललितपुर में पाई जाती है, जिसका जवाब ललितपुर आया बिल्कुल सही है, सहरिया जनजाति ललितपुर में आपकी पाई जाती है। यहाँ पर अगला दिया है अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका जो आपकी है कल्याण प्रकाशित होती है, 88 नंबर आपसे कह रहा है, तो 88 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी याद रखिएगा ठीक है, और गीता प्रेस द्वारा आपका होता था। यहाँ पर चिंतक और धर्मवेता हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा ये पत्रिका के संपादक रहे हैं, सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा नहीं है, तो चलिए उत्तर प्रदेश के जो आपके ऐतिहासिक मेले हैं, स्थान क्षेत्र दिया है, जल विहार का मेला ये कहाँ लगता है, नया क्वेश्चन आपको लग रहा है, जल विहार मेला आपके बुंदेलखंड में लगता है, सही है पहला। बटेश्वर मेला आपके कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, चलिए पश्चिमांचल दिया गया है। फिर दिया गया है बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है, तो कहेंगे सर जी ये बलदेव छठ का मेला लगता है ये आपके कहाँ पर, तो पूर्वांचल दिया है, ये आपका गलत दिया गया है ठीक है, ये फरीदाबाद हरियाणा में है, कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ये आपका गलत दिया है। शुक्रताल का मेला कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है, तो आप कहेंगे सर शुक्रताल मेला कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में है ना, और आप लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं है,
अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना, मतलब आपने रट्टा मार लिया है, बटेश्वर मेला आगरा, बटेश्वर मेला आगरा, और आगरा है कहाँ पर ये बताओ? बटेश्वर मेला है लगता आगरा में, और आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में ही तो आगरा है, तभी तो ये पश्चिमांचल दे दिया गया है। थोड़ा गौर तो करिए, कभी कभी चीजों को गौर करने से होता है, देखा जाता है कि भैया यहाँ पर जो पश्चिमांचल है, आगरा है कहाँ पर? आगरा पश्चिम में पड़ता है, और पश्चिम में पड़ता है तो ये भी तो आपका सही हो गया है, क्लियर हो गया है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो। और ये चीज क्या है, ये चीज आपको लगा कि नहीं, यूपी जीके में अगर थोड़ा परिवर्तन हो सकता है तो ऐसा भी आपका हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, और जब प्रैक्टिस लगाएंगे तो ऐसी चीजों से आप बच जाएंगे और अच्छी तरीके से नंबर आप ला पाएंगे। ये प्रैक्टिस ही आपको है जो इसका सिखा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि गौतम बुद्ध जो आपके हैं दोस्तों, जो गौतम बुद्ध आपके हैं यहाँ पर क्या थे? मर गए थे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका क्या है? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, ये जो मृत्यु हुई थी वो आपकी यहीं पर हुई थी दोस्तों, याद रखिए, जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, है ना। रामभद्र स्तूप आपने सुना होगा, 8 स्तूपों में एक माना जाता है। अगला दिया गया है, कह रहा है किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो काशी को भारत का एथेंस कहा था ये बर्नियर, एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, है ना, जो कि मुगल राज जो राजकुमार दारा सिको थे उनके चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। बर्नियर थे, इस ऑप्शन डी बनेगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? 92 को ऑप्शन देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की आपकी थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से है क्या, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जवाब देना है, कौन सा हो सकता है बता सकते हैं? चलिए भैया कुशीनगर वाले जल्दी से जवाब दीजिए, दिख नहीं रहे हैं आज कुशीनगर वाले कहाँ हैं। चलिए आज शायद टाइम बिजी होंगे, कुशीनगर वाले दिख नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, भाई कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये 5वें नंबर का आपका था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है केवल फर्स्ट हो जाएगा कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस थी। अब यहाँ पर जो चौथा दिया है तो चौथा गलत दिया गया है ना, चौथा गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तवई के थे, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका लखनऊ जो आपका कौन सा है, अयोध्या वाला हो गया, है ना, अयोध्या वाला हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके ज्यादा हैं, तो ये जो आपका आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा सिर्फ ये चौथा नहीं है, ये आपका तीसरा था। ये जब बात है कब की, 2021 में, 2021 में जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब आपका बना था, है ना, ये तीसरे नंबर का उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा था, अंतर्राष्ट्रीय तीसरे नंबर का था, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, चलिए बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली में, है ना, सिंगरौली जो कि आपके सोनभद्र क्षेत्र में पड़ता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? 94 में देखिए याद रखिएगा, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, लेकिन प्रयागराज ये निर्यात विकास क्षेत्र आपका नहीं है। निर्यात में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर खुर्जा जैसे पाटरी के लिए है, है ना, संगमरमर उत्पाद, बैग, ये आपकी चीजें हैं, तो ये आपके प्रयागराज नहीं है। बाकी खुर्जा है जो आपका, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, ये आपके क्या है, तो आयात निर्यात वाले क्षेत्र हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों में की अभी अभिनव प्रगतियां निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपकी सेवा में, 95 को ऑप्शन डी कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रगतियां सेवा में निराशजनक है, अर्थात ये है सेवा क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है। बाकी कृषि में, उद्योग में, व्यापार में मिल रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगला है, UPSIDC का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है? दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका 96 है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC, ये मुख्यालय आपके कानपुर में है, याद रखिए इसको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कानपुर में आपका है, ठीक है ना, यहाँ पर चिड़ियाघर के बगल में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रयाग स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो आपका किया गया है वो किया गया है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों याद रखिए रिहंद परियोजना ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य आपके हैं इनमें से कौन है? तो भैया उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जिसको ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ये आपके ब्रेड बास्केट जो कि आपके हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी जो फसल है वो आपकी है कौन? तिलहनी फसल में दोस्तों याद रखिए जैसे राई है और जो आपका सरसों है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसकी उपज को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति यहाँ पर चलाई गई थी, है ना, पीली पीली क्रांति चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइएगा, काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, आपसे कह रहा है 81 को ऑप्शन देना है और 81 को ऑप्शन बनेगा, ये है आपके शिव प्रसाद गुप्ता, नाम तो सुना ही होगा, शिव प्रसाद गुप्ता इसका जो आंसर राइट हो जाएगा।
और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में की गई थी। और यहाँ पर अगला दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। थोड़ा सा जवाब देते हुए चलेंगे। और यहाँ पर देखिए यूपी जीके जो आपके हैं 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, है ना। अगर यूपी जीके की क्लास अभी ना भी चल पा रही होगी तब भी आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि आपको डेली के तरीके से एक टेस्ट पेपर हो जाता है 20 क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो आपका है घनत्व वो कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके वाराणसी मिलेगा, है ना। जनघनत्व दिया गया है, हमने कहा इलाहाबाद में जनसंख्या है, इलाहाबाद में जनसंख्या है, लेकिन जनघनत्व आपके यहाँ पर दिया है आपके कहाँ पर, वाराणसी में। सबसे पहला कौन सा आपका आता है, तो सबसे पहला गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर। सबसे कम में आता है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। अगला उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प योजना अभियान शुरू किया गया था। चलिए सबरी संकल्प योजना जो आपकी है याद रखिए कुपोषण को दूर करने के लिए ये शुरू किया गया था, कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन जो संबंधित है वो भैया काहे से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर 84 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर कुपोषण से आपका यहाँ पर राइट हो गया है। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो याद रखिएगा ये जो आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, ये जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, और आपका उत्तराखंड है, यहाँ की परिषदों से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 86 नंबर में, याद रखिएगा 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगला है अगरिया, बेगा और भुया जो जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं, तो याद रखिए आपके सोनभद्र ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, याद रखिए जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है बता सकते हैं, कोलकाता में है, सही है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, लोकगीत दिया गया है और गायन का अवसर दिया है, जो लोकगीत दिया है चैती, तो चैती को जो गाया जाता है वो कब गाते हैं, तो ये मौसमी गीत है, चैती जो आपका है ये मौसमी गीत है। कजरी जो आपका है ये विवाह और मौसमी गीत है, विवाह में भी गाते हैं और मौसमी में भी। रसिया जो आपका है ब्रज का लोकगीत है, ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, जो रसिया है ये ब्रज का आपका लोकगीत है और सोहर गाता है, ये छोटे जैसे बच्चे होते हैं, ये संस्कार गीत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये जो आपका स्थित है ये आपकी कौशाम्बी में है, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये हुलास आपने नाम सुना होगा, सहारनपुर जिले में ये आपके स्थित आपका है, है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जनरथ नाम जो दिया गया है आपका है क्या, इसको भी हमने पढ़ाया, जनरथ ये एसी बस सेवा है, जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों के बीच थोड़ा सा ज्यादा जरूर होता है, तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा कभी, कौन सा है, हाँ डी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो बात आई है जब यूरेनियम की तो आप कहेंगे ललितपुर में पाया जाता है। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, 94 में दिया है चूड़ी उद्योग आपका शाहजहांपुर है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश ने देखें ताला उद्योग आपसे कह रहा है कि भैया आपके अलीगढ़ में कालीन उद्योग भदोही, चिकन उद्योग लखनऊ, लेकिन चूड़ी आपके सहारनपुर है नहीं है, चूड़ी कहाँ पर बनती है, फिरोजाबाद में बनती है, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की गई थी, उत्तर प्रदेश में जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी ये आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर अगला उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का जो केंद्रित क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का जो केंद्रित क्षेत्र है वो आपका है क्या, तो यहाँ पर याद रखिए बुंदेलखंड ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है, याद रखिएगा समग्रता उपागम, उत्तर जो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन किस उपागम है, तो आपके जो समग्रता उपागम है ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पर्यटन की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी किया है उसी के बारे में कह रहा है। अगला उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो याद रखिए सिंचाई के सबसे बड़ा स्रोत है नलकूपों से होता है, ट्यूबवेल से होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपके धान है, मक्का है, गेहूं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है, दशहरी आम के लिए जो जाना जाता है वो जाना जाता है कौन है, तो यहाँ पर लखनऊ जाना जाता है, लखनऊ का जो मलिहाबाद है आपका और जाना जाता है, इसको GI टैग दिया गया है, अलग स्वाद है, सुगंध भी है, है ना, ये विशेष पहचान आपका लिए हुए है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय जो पुस्तकालय है वो आपका है कहाँ पर, तो ये जो आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, तो आपके रामपुर है, रामपुर में, ठीक है, रामपुर जो चाकू है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है, सिर्फ और सिर्फ महिला साक्षरता की बात कर रहा है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हैं, है ना, और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा।
यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 57.20 दिया गया है राइट आंसर, ये हो जाएगा ठीक है ना। पुरुषों की कितनी है तो 77.3% ये पुरुषों की है, और अगर कुल टोटल पूछता है तो आप कहेंगे 67.7% ये आपकी कुल टोटल आपकी है। अगला है किशोरी बालिका योजना, वर्ष में दिनों के विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है, अगर ये महिला कितने दिनों तक नहीं जाती हैं, 300 दिनों, क्या 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। अगला है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया, ये दोस्तों आपके जून 2020 को, ये आपका जब कोरोना महामारी आई थी है ना, तो उसके सृजन के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया गया था, 31 जिलों को चिन्हित किया गया था, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, निष्कर्ष दिया है। नीचे आपको सम्मिलित करना है नगर और निकाय दिया गया है, लखनऊ का जो स्थानीय निकाय है छावनी परिषद, क्या है छावनी परिषद है, फिर यह कानपुर का है नगर निगम है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर निगम है, क्या है नगर निगम है, नगर पालिका नहीं है नगर निगम है, याद रखिए नगर निगम हो जाएगा, तो ये आपका सी नंबर आपका गलत दिया है। काकोरी में नगर पंचायत है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या है नगर निगम, आपकी गाजियाबाद में भी नगर निगम है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं, याद रखिए दो आपके हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ में है और एक आपके आगरा में है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, क्या दिया है युवा ग्रह प्रथा दिया गया है, तो ये आपकी है जो आपकी भोटिया जनजाति है, कौन है भोटिया जनजाति में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग भंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं रंग भंग भी कहा जाता है ठीक है, वेरी गुड। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो कहाँ से थे, अमीर खुसरो थे आपके एटा से, मिर्जा गालिब आपके आगरा से थे, जोश मलियाबाद से थे, लेकिन जिगर जो आपके थे क्या गोरखपुर से थे, क्या जिगर जो थे वो आपके क्या गोरखपुर से थे भाई, ये आपके गोरखपुर से संबंधित नहीं है, मुरादाबादी हैं, क्या हैं जो जिगर हैं ये आपके मुरादाबाद के थे, तो ये मुरादाबादी हैं ठीक है, वेरी गुड, मुरादाबाद वाले तो तुरंत जवाब देंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामनगर जो बनारस है, रामलीला का मंचन कितने दिन होता है, तो भैया रामनगर कहाँ पड़ेगा बनारस में, और यहाँ पर रामलीला होता है बड़ा भव्य तरीके से, तो यहाँ पर जो रामलीला होता है कितने पूरे 31 दिन चलते हैं, कितने पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है ये मंचन ठीक है। अगला से दिया गया है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो आपकी है ये आपकी फतेहपुर सीकरी में है ना, फतेहपुर सीकरी में है, और यहाँ पर देखा जाए तो अकबर ने यहाँ पर पंचमहल बुलंद दरवाजा है ना काफी चीजें बनवाया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो देखिए आपके 8 जनपद आपके उत्तर प्रदेश, मतलब देखा जाए तो आधे जनपद आपके उत्तर प्रदेश में हो गए है ना, जैसे काशी है ना वाराणसी के आसपास, वत्स जो था इलाहाबाद के आसपास, कौशल जो था फैजाबाद के आसपास, मल्ल जनपद था देवरिया के आसपास, चेद जनपद था बुंदेलखंड के आसपास, कुरु जनपद था आपके मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास, सुरसेन जनपद था मथुरा के पास, और पांचाल था बरेली बदायूं फर्रुखाबाद के पास। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे आपका जो है कहाँ से है, यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक के, ये यमुना एक्सप्रेस 165 कितना 165 किलोमीटर लगभग आपका है, ये 6 लेन आपका है ना, 6 लेन है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके जो है कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो आपके खनिज हैं 93 में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है तो आप कहेंगे सर रॉक फॉस्फेट और जो डोलोमाइट आपके हैं ये आपके हो जाएंगे। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, आपको हम ले सकते हैं यहाँ पर चुर्क, और चुर्क में दोस्तों मिलेगा क्या, चुर्क में मिलेगा आपको घर बनाने के लिए जो सीमेंट है ठीक है, फिरोबाद फिरोजाबाद चलते हैं चूड़िया पहना दें, फिरोबाद चलेंगे तो चूड़िया पहनने को मिलेगा, और अलीगढ़ जाएंगे तो ताला ले आएंगे, और मेरठ जाएंगे तो खेल का सामान लाएंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है वो कहाँ पर मिलेगा, ये आपके बरेली में है, यहाँ पर कृत्रिम रबड़ कारखाना है याद रखिएगा है ना, मोदी नगर नाम सुने होंगे, गाजियाबाद में भी स्थित याद रखिएगा ठीक है, याद रखिए कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है, बरेली के अलावा आपकी कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर जो गाजियाबाद में है वो भी मिलेगा। अब दोनों में से हम यहाँ पर दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे, चलो दोनों ऑप्शन में दे दिया है तो दोनों ऑप्शन होंगे तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, वैसे दोनों साथ में आएंगे नहीं, दोनों साथ में आते नहीं हैं, जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं, बाकी याद रखिए गाजियाबाद भी मिलता है बरेली में, लेकिन जब बरेली दिया है तो हम बरेली लगा देते हैं, बाकी वैसे आपको मिलेगा गाजियाबाद मिलेगा मोदी नगर मिलेगा तो मोदी नगर लगाइएगा ठीक है, दोनों एक साथ आते नहीं है ठीक है। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से दिया गया है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, 96 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है हाँ एक ऐसे ही किया जाएगा, ऐसी कंडीशन हमने पहले बता दिया है, बरेली हम लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं आएगा तो हम लोग वो लगा देंगे क्या दिक्कत है ठीक है, नंबर तो मिलना ही मिलना है ठीक है, हटा दिया हमने उसको पहले हटा दिया हमने बरेली लगा दिया है ठीक है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 96 नंबर आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है, शहर दिया है और आपका विशेषता दिया गया है, वाराणसी किस लिए जानते हैं, वाराणसी जानते हैं संस्कृति और धर्म के लिए, लखनऊ जानते हैं प्रदेश की राजधानी के लिए,
झांसी जानते हैं ऐतिहासिक पर्यटन के लिए, किसके लिए? ऐतिहासिक पर्यटन के लिए झांसी जानते हैं, औद्योगिक केंद्र नहीं है ये, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद आपका पीतल के लिए है, तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, सी नंबर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी ये दोस्तों आपके 1972 में, कब की बात है, 1972 में है, जो पर्यटन आपके बन रहे हैं उनके देखभाल के लिए है, है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल को सिंचाई करती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करती है जो आपकी शारदा नहर है ना, शारदा नहर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा है, लंबी आपकी नहरों में आपकी आती है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक आपका है? तो ये जो आपका गेहूं है, गेहूं आपके उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, और इसके अलावा गन्ना भी मिल पैदा होता है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिकतम है? फसल चक्र अर्थात उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं? तो कहेंगे अधिकतम लोग धान गेहूं करते हैं, धान गेहूं कटाई करते हैं। दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं? चलिए भैया यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे पूर्व का ग्रास के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश वाले यहाँ पर जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर कौन हो जाएगा, इलाहाबाद वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर इलाहाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी इसको मिल चुका है। अगर निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर जो आपकी है कहाँ पर है? आज यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज यहाँ पर देखते हैं यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए देखिए यहाँ पर 82 नंबर दिया है, और 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रावस्ती वाला। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर श्रावस्ती वाला इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। श्रावस्ती सबसे कम आपका है दोस्तों साक्षर, है ना। एक लोगों से यहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि एक लोगों ने लगाया है 82 का C, तो 82 का C नहीं है, यहाँ पर बी है दोस्तों, श्रावस्ती वाले बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, ये कह रहा है। 83 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 83 का ऑप्शन बनेगा ये पहला स्थान है, क्या है, पहला स्थान यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आंसर ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलती कर दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से शुरुआत हुई? बही से यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर 92 होता है, आपको बताया 84 से 54 और 82 से 92, चकबंदी 54 और यहाँ पर बही जो आपका है वो आपका 92, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री आपकी बनी है? तो महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं यहाँ पर देखिए, तो आप कहेंगे सर दो ही महिलाएं आपकी बनी हैं, सुचेता कृपलान और आपकी मायावती बनी थी, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका है कौन? तो राजर्षि टंडन पुरुषोत्तम, है ना, जो कि आपके प्रयागराज में है, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? 87 नंबर जवाब दे दीजिए, हम आपको समझ आएंगे कि आप लोग बिल्कुल शेर शाह सूरी हैं। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन, 87 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, कौन सा है 87 का, पहले बताइए, आगे वाले मत जाइए, बी नंबर सबका सही है फिर, है ना। अनुसूचित जाति दिया है, इसका मतलब एससी की बात हो रही है, और एससी जो आपका है वो सीतापुर वाला, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, और 88 नंबर में देखिए यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, अमीर खुसरो एटा से, मिर्जा गाली वागरा से, जोश मलियावास से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल वाले जो आपकी लगाए थे, इसी नंबर वो गलत दिया गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे कहाँ से थे, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से थे, है ना। और कुछ लोगों ने ऑप्शन को देखा ही नहीं था, है ना, तीन ऑप्शन दिए, तीन ऑप्शन से लगा दिया, तो तीन ऑप्शन से नहीं, चारों ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? 89 नंबर में कथक कला देखिए आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, लेकिन भैया जो आपका है यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है किशन महाराज, ये क्या दबा, क्या ये तबला जो है ना, तबला वादक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता था, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते क्या थे? सूरसेन कहते थे, बिल्कुल सही है, सूरसेन हो जाएगा। मतलब यूपी जीके में हमें लग रहा है कि आपको दिक्कत कम आ रही है ना, सबके जवाब एक दो बच्चे तो ऐसे मिल ही जाएंगे, है ना, जल्दीबाजी में हो जाएंगे, हो सकता है दिमाग अगला हो, मन अंते चितंते जीरा रहे उदास, है ना, तो एक दो गलतियां तो हो ही जाएंगी कुछ बच्चों से, क्योंकि धान काटने में कोई दिमाग लगा होगा, कि गेहूं काटने में, है ना, तो इसलिए एक आधी गलती हो जाती होंगी। अगला बताएगा कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध का जो मकबरा है, बहु बेगम का मकबरा ये किस स्थान पर अवस्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो 91 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ये आपके फैजाबाद में है, बहु बेगम का जो मकबरा है वो आपका क्या है, तो आपका फैजाबाद इसका आंसर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, अब 92 नंबर आपका दिया गया है, और 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, जबरदस्ती वो लोग भाग जाएंगे, और जबरदस्ती करेंगे तो गलती तो हो ही जाएगी, है ना। याद रखिए ताज जो दिया है ताज, तो ताज आगरा में नहीं है, ताज आगरा में नहीं है, ताज वाला जवाब नहीं दिए आप लोग, दिए हो 92 कब भी दिए हो, काफ़ी लोग दिए हैं, है ना, कुछ लोगों ने दिया है लेकिन कुछ लोगों ने ये नंबर ही दिया है। याद रखिए ये जो आपका आंसर है 92 का जो बी आपका दिया है, गौतम बुद्ध नगर जो आपका है ना, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा, ठीक है, और इसका जो नाम आपका हो गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है,
चलिए परमाण ऊर्जा ये आपको मिलेगा नरोरा में, ऑप्शन नंबर आपका सी नरोरा हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है उद्योगों को उनके शहरों के साथ सम्मिलित करेगा। पहले आप यहाँ पर बताएंगे फिर हम आपको बताएंगे, है ना, कौन सा नंबर सही हो रहा है जल्दी से कमेंट करें। 94 नंबर में सही बताइए, बिना ऑप्शन के बताइए क्या हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 किसी ने बताया है, चलिए देख लेते हैं। रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है ना, रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है, 4 हो जाएगा। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक जो दवा कंपनी वापू होगा, 4, 2 हो गया। मेरठ आपका खेल का सामान, 1 हो जाएगा। अलीगढ़ ताली के लिए, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने तुरंत इसका जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो आपकी है कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो आपकी है कहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। 95 का ऑप्शन दीजिए भाई, 95 का ऑप्शन आ गया बी नंबर, और किसी का ऑप्शन आया डी नंबर, और जिसका भी ऑप्शन बी आया है तो इसका मतलब है उनका दिमाग क्लास में नहीं होगा या तो नए होंगे। हमने कहा स्कूल में जो पेपर है, पेपर को सहारा देना पड़ता है, और सहारा देना पड़ता है तो सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर हवा में उड़ जाएंगे, इसलिए सहारा देंगे सहारन हो जाएगा, पुर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो आपकी है कहाँ पर है, चलिए यहाँ पर देखा जाए 96 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर देखिए आपका 96 का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, रायबरेली में, कहाँ पर है रायबरेली में आपका, याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद फिर तमिलनाडु में है, फिर आपके कपूरथला में भी है, है ना। अगला आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध काशी भारतीय तीर्थ केंद्र है, किस नदी के तट पर आपका है। तो काशी जो ऐसा है वो किस नदी के किनारे, गोमती है, सरयू है, यमुना है, गंगा है, ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा थोड़ा सा। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर इनमें से क्या लगाया जाए, वाराणसी है या गंगा है, जल्दी बताइए, वाराणसी या गंगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो गंगा वाला सही है, ठीक है, याद रखिए काशी जो आपका है गंगा नदी के बाएं तट पर आपका है, किसमें है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी काशी है ये गंगा नदी के बाएं तट पर, ये भी शब्द आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काशी है वो गंगा के दाएं बसा है या बाएं बसा है, तो आपकी गंगा के बाएं बसा है, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला जो है वो आपका कौन है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू तो मिल जाएंगे, लेकिन फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है नहीं है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, 100 नंबर दिया गया है, और 100 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा ये बताना है। चलिए 100 नंबर का ऑप्शन है शक्कर का प्याला जो कहते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये शर्करा है कहाँ पर, जौनपुर में, कहाँ है भैया, जौनपुर में थोड़ो है। अच्छा अगले क्वेश्चन को बता रहे हैं, बहुत होशियार हो गए आप लोग, तो याद रखिए कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंगा अनुपात आपका है वो कहाँ का है। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका अंतिम आंकड़ों के अनुसार 912 जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 2001 में लिंगा अनुपात 898 था, है ना, 2011 में 912 हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो दस्तक अभियान है इसका जो संबंध है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिएगा जो कि परियोजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका सीतापुर, ये इसका अंतर्गत आपका नहीं है। यहाँ पर इस परियोजना में 24 जिलों में, है ना, जो ऊसर और बिहड़ भूमि है उनके सुधार के लिए ये आपका 6 वर्ष के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, है ना, इसमें सीतापुर जनपद आपका शामिल नहीं है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय वही प्रथम पुलिस संग्रहालय है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए भाई। गाजियाबाद तो बिल्कुल सही है ना, गाजियाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला बना है, ये भी याद रख लीजिए साथ साथ में कि जो गाजियाबाद है ये वेबसाइट पर मतदाता जो सूची है इसको जारी करने वाला देश का पहला जिला भी बना है। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर भी नंबर आप कहेंगे सर जी अब तो 6 हो गए, पहले तो 4 थे। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो ये अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा बुक्सा जनजाति आपका आंसर है, राइट जो है तराई क्षेत्र में जैसे बिजनौर है, आगरा है, यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया है। तो इन्होंने पर्यावरण, अमीर खुसरो जो आपके हैं, अमीर खुसरो प्रथम कवि थी जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया है। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ये आपके ऋषि का नाम बताना है। ये ऋषि जो आपके हैं व्यास, है ना, महर्षि व्यास के लिए समर्पित आपका इनका जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में ही आती है। इस दिन 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो आपके जो शुद्ध जो कह सकते हैं एक प्रकार के जो साधु संत होते हैं, है ना, वो 4 माह एक ही जगह रहते हैं और अपना ज्ञान देते रहते हैं।
यहाँ पर दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर, तो ये बस्ती जिले में पड़ता है। याद रखिए ये बस्ती, मामा का नाम था महामाया, है ना। और यहाँ पर आंसर आपका अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर का जो सरकी वंश का शासक था वो आपका हुसैन शाह था, हुसैन हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है यहाँ पर आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन में जो दिया गया हो उसी को तो बताएंगे। अब आप कहेंगे यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है वो आपका है कौन है, NH 7 आपका है। ये नहीं कह रहा है कि यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तब आप कहते हैं सर यहाँ पर NH 19, है ना, क्या बोलते हैं, NH 19 कहेंगे, है ना, यही तो आपका कहेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है इसमें यूपी से शुरू होने वाला है ये आपका हो जाएगा, ये सबसे लंबा यूपी में पूछे तो आपको NH 19 बताना है, दोनों चीजें एक साथ में रट लेना है। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो 93 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, अगर टेराकोटा की जो आपकी सामान है ये मिलेगा आपको गोरखपुर में। टेराकोटा मतलब होता है जो आपकी पकी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उन्हें टेराकोटा कहते हैं गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने लेना है तो आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर है, लकड़ी के खिलौने अगर लेना है तो आपको चलना पड़ेगा वाराणसी, है ना, तो चलिए फिर वाराणसी चलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन लेना है तो आपको चिन्हट चलना पड़ेगा, और अगर कांच का सामान लेना है तो फिरोजाबाद चलना पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्रम आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेणु कीट में जो हिंडालको है इसकी स्थिति का जो मुख्य कारण है वो आपका कारण इनमें से है क्या, तो आप कहेंगे शक्ति के जो स्रोत हैं, ये आपका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। 96 नंबर में देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है, टेनिका सिटी गाजियाबाद में है, ना कि आपके नोएडा में है, ये गलत हो गया। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी उन्ना हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य आपके शामिल है। यहाँ पर देखिएगा जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, इसमें जो पर्यटन के लिए चयनित किया गया है, तो यहाँ पर देखिए बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ये जो आपका बुंदेलखंड सर्किट में आपके शामिल हैं। अगला है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश में लाभ लेने वाला जिला कौन है, तो भैया ये जो आपका हमीरपुर है ये आपका लाभ लेता है। अगला है भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान जो आपका है वो याद रखिए 90% आपका यूपी आपका है जो मेथा ऑयल उत्पादन करता है। दोस्तों याद रखिएगा इस तेल का उपयोग लोग सुगंध के लिए भी करते हैं और औषधि को बनाने में भी करते हैं। देश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपको बताना है यहाँ पर आंसर होगा क्या, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर देखा जाए कौन सा आंसर कर दिया जाए भाई, इसमें दिया गया है इलाहाबाद दिया गया है ना, और क्या दिया गया है, तो आपका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा, कानपुर हो जाएगा, इलाहाबाद में नहीं है। याद रखिए काशी में है, बनारस में है, जिसे बोलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT का दर्जा भी दिया गया था 2008 में, और कानपुर में तो IIT है ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले कौन से आपके हैं, और वही क्रम में आपको दर्शाना है। देखिए गौतम बुद्ध नगर सबसे पढ़ा लिखा है, फिर उससे कम कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है, तो एक जिला एक उत्पाद से जो स्वदेशी अर्थात अपने यहाँ से बनी हुई चीजें हैं है ना, उनके विशेष उत्पादन के लिए आपका है इसको ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ था वो किससे हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये 2001 को हुआ था, इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, तो दोस्तों ये सरोजिनी नायडू जो ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर देखिए चित्रकूट में किया गया था, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपमा का सही सुमेलित आपका दिया गया है, भोटिया जनजाति गढ़वाल क्षेत्र में, बुक्सा जनजाति बिजनौर में, और आप कहेंगे सर बिजनौर वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही राइट हो जाएगा, क्योंकि थारू कुशीनगर नैनीताल में है और राज्य आपके उत्तराखंड में है। अगला है गोदान जो लिखा गया है किसके द्वारा है, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, बी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है, लखनऊ के क्रियाकलापों में आपके बिंदादीन ने उस्ताद दुले खां, इलाशयाज खां, लेकिन मेहंदी ने नहीं दिया है। अगला उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम आपके हैं, तो दोस्तों ये जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं वो आपके सबसे कम है, ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध है ना, इस प्रकार से। अगला दिया है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान इनमें से कौन सा था, किस राज्य के विरुद्ध था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कलिंजर विरुद्ध है ना, कलिंजर में ही मृत्यु हुई थी इसकी है ना, मतलब यहीं पर युद्ध हुआ था जिसमें से गोला लग गया था। यहाँ पर अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, बमरौली हवाई अड्डा चलते हैं और ये बमरौली मिलेगा आपके इलाहाबाद में, ठीक है, और अगला है चकेरी मिलेगा आपको कानपुर में, भिंडन आपका मिलेगा गाजियाबाद में, फुर्सतगंज मिलेगा आपके रायबरेली में, ठीक है। अगला दिया है कि भैया कोटा, कोटा अगर हम लोग जाते हैं कोटा जो कि रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है ये राजस्थान में है, और अगर तारापुर बात करते हैं तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। काकरापार जो आपका है गुजरात में मिलेगा, ठीक है, और अगला है नरोरा, नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है।
अगला है सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है यहाँ पर किन शहरों में है, तो दोस्तों ये आपके नोएडा में है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नोएडा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों याद रखिए 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो केंद्र आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है, सबसे ऊंचा बांध जो आपका है वो रामगंगा बांध आपका है ना, इसको ऑप्शन बी बनेगा, बिजनौर में रामगंगा नदी पर आपका बनाया गया है। अगला है कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज हो जाएगा, सी नंबर। अगला है पूरी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध जो प्रजाति है वहाँ की किसकी है, तो दोस्तों ये प्रजाति धान की है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसल की बुआई होती है ये दोस्तों आपकी जून जुलाई के दौरान होती है, इसको ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है क्या, तो आप कहेंगे सर 81 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, उर्दू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1991 और 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की पर्सन जो वृद्धि हुई वो कितने देखो को मिली थी, तो 16.7 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद ढूंढ रहे हो तो इलाहाबाद की बात फिर लखनऊ आ जाइए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा दिया तो क्या है ऑप्शन क्या दिया, सी नंबर तो दिया गया है प्रयागराज हो जाएगा। अगला दिया गया है लखनऊ योजना का विकास किससे, तो लखनऊ योजना का संबंध है सड़क से है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, तो ये तो भैया 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 86 नंबर आपको देना है, तो भैया उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, अब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए, बाकी छह तो आपके यही है, तो मैक्सिमम जो आपका ऑप्शन आ रहा है वही लगा दीजिएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम जो आ रहा है वो लगा दीजिएगा, क्योंकि पांचवें नंबर का था बांदा कृषि प्रौद्योगिकी और छठे नंबर का आपका झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाला, तो आप कहेंगे अधिकतम तो छह है, लेकिन जो ऑप्शन में अधिकतम लग रहा है वही लगा दीजिए, बाकी छह है। छह कौन सा है, छह आपका जो छठा नंबर का है वो रानी झांसी जो झांसी झांसी में जो स्थित है वो आपका छठे नंबर में है, पांचवें नंबर का था बांदा वाला। अगला है कि जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, 87 नंबर आपसे दिया है, तो आप कहेंगे थारू हो जाएगा। अगला है राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों इनका हुआ था झांसी में, झांसी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है, तो संगीत रत्न दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बताना है 89 को ऑप्शन सी बताना, याद रखिएगा लता मंगेशकर मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, लता मंगेशकर के नाम पर ही लता मंगेशकर है यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का प्रशासन था, अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी, तो भैया इन्होंने उपाधि धारण किया था सुल्तान की उपाधि, ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है, सुल्तान की नवाब होगा भाई सुल्तान नहीं होगा, नवाब होगा, नवाब बोलते हैं नवाब वासुद्दौला है ना, नवाब उपाधि धारण, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब फलाने, नवाब ढिकाने, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सही बनेगा। अगला है मध्य काल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो सिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर हो जाएगा। यहाँ पर अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो आपका है 92 नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका मध्य दिया है इलाहाबाद हो जाएगा। अगला दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, अगर हम बात करते हैं गुजरात में तो गुजरात में है काकरा पारा जो आपका आणविक संधि है, यहाँ पर कर्नाटक में है तो आपका कैगा है कर्नाटक, राजस्थान में है रावतभाटा और उत्तर प्रदेश में नरौरा है, पिछले मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है और ये जो आपकी स्थिति दोस्तों आपकी सहज नवा जो की गोरखपुर में है। अगला उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो दोस्तों ये आपके नोएडा और लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ये आपके नोएडा और लखनऊ में है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, टेलीफोन इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपके रायबरेली में मिलेंगे, ट्रांसफार्मर लेना है तो आपको झांसी में जाना पड़ेगा, कृत्रिम अंग निर्माण है तो आप कहेंगे सर कृत्रिम अंग निर्माण आपके कानपुर में हो जाएगा और उर्वरक हरकाना फूलपुर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। बाकी मिलने को तो आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन जहाँ से ज़्यादा होते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहीं की बात हो रही है। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो भैया ये जो परीक्षा बांध है ना ये आपकी बेतवा नदी पर आपका ऐसे ही हो जाएगा बेतवा। अगला उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित आपकी है, तो दोस्तों ये आपका है बेतवा नदी पर आपका है। और आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्धत मानी जाती है, लंगड़ा आम आपने सुना होगा है ना, नहीं सुने तो आज सुन लीजिएगा, वाराणसी जिले के में आपकी मानी जाती है, वाराणसी जिले में, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला दिया है उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, दोस्तों जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है ये आपके कहाँ पर, तो दोस्तों देख लखनऊ मुजफ्फरपुर गोरखपुर में है लेकिन झांसी में नहीं है। झांसी की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके थे मोदी जी थे है ना, कौन मोदी, ये थे आपके सर होमसजी फिरोज मोदी, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि जो हुई वो कितनी वृद्धि हुई थी आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 11.34 इसका आंसर राइट हो जाएगा।
यहाँ पर दिया गया है आपसे जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे यूपी हो जाएगा। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सितंबर 2002 में आपके प्रारंभ की गई थी। ये योजना जानते हैं जो छात्रों को तकनीकी और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए था। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला देहरादून नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, ये चिकित्सा अनुसंधान जो आपका है वो आपके मथुरा में है, ऑप्शन डी बनेगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, तो थारू जनजाति दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में तो है ही और आपको उत्तराखंड हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जानते हैं, धनपत राय आप जानते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका था कौन, तो ये देखिए भातखंडी हिंदुस्तानी संगीत जिसे जो अब आपके डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जानते हैं, तो शेर ए बलिया के नाम से जानते हैं आपके चित्तू पांडे को, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, दोस्तों ये बात है 1833 के समय में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है, तो भैया फैजाबाद है, आजमगढ़ है, मऊ है, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता है, ठीक है, बस्ती से नहीं गुजरता है, याद रखिएगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से जाता है, ये बस्ती से थोड़ा जाता है। राष्ट्रीय चैंबर्स ऑफ उद्योग और वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके आगरा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये जो आपका है दोस्तों नोएडा है, नोएडा, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है रोजगार के दस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए हथकरघा उद्योग जो आपका है बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अगला है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो आपकी है वो आपके वाराणसी हो जाएगा, डी नंबर। और अगला दिया गया है दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है ये किसके लिए जाना जाता है, औरैया जिला को जानते हैं आपके किसके लिए जानते हैं, शुद्ध देसी घी के लिए जानते हैं, ठीक है। और अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल जो आपकी फसलें हैं वो आपकी हैं कौन, तो देखिए आपकी रबी की फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें, ये सभी फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है ना वो आपका है किसके लिए, उत्तर प्रदेश किसका पैदावार जो आपका है सबसे ज्यादा, तो कहेंगे सर जी खाद्यान्न के लिए आपका उत्पादन है ना, खाद्यान्न जो कि ऑप्शन आपका बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, यूपी जीके में देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 915 जो आपके हैं ये शहरी निकाय है, 915। उत्तर प्रदेश के 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता अंकित की गई है, जो कि यहाँ पर साक्षरता जो आपकी है वो आपकी श्रावस्ती की है, वो भी निम्न साक्षरता पूछा गया है। अगला दिया गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन से शहर मिलियन शहर आपका नहीं है, मिलियन शहर में 7 शहर आपके जिले गए थे, इनमें से आपका जो मुरादाबाद आपका दिया गया है ना, मुरादाबाद आपके इसमें से नहीं है। अब मिलियन शहर में आपका जो है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज है। अगला है कल्प योजना संबंध है आपके, तो आपकी प्राथमिक शिक्षा से है। अगला उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 6 अनुभाग आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। ये 6 अनुभाग आपके जो कार्यरत हैं आपके मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, आपके प्रयागराज, आगरा और झांसी में है। अगला दिया गया है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर है, दोस्तों 86 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके झांसी में है। अगला उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है, तो दोस्तों ये जो आपकी थारू जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है, उर्दू शायरी जो फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं, यहाँ पर आप रघुपत शाह हो जाएगा। अगला उत्तर मध्य क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र दिया है ना, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका है वो आपका बनेगा, यहाँ पर सी प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इखलास खान का जो रोजा खान मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, इखलास खान का रोजा आपके दोस्तों बदायूं में है, बदायूं में है। यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दोस्तों ये है राजा चेत सिंह हो जाएगा, सी नंबर राजा चेत सिंह। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई बताएगा, तो यहाँ की लंबाई आपकी है 302.2 किलोमीटर आपकी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहते हैं, तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं वो जानते हैं मुरादाबाद, इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ था, देखिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो ये देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर हरित क्रांति सबसे पहले आई थी तो ये विकसित हुआ था। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, तो यूपी में सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, वो किसे जानते हैं, तो ये आपका फिरोजाबाद है, जो कि कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, जिला और उद्योग, मुरादाबाद में देखिए पीतल का सामान मिलता है, प्रतापगढ़ में कालीन दिया है, प्रतापगढ़ जाना जाता है आंवला के लिए, ठीक है, आंवला का लिए जाना जाता है आंवला, और आंवला खाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आंवला खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा और ये जो प्यारे प्यारे बाल है ना ये चमकीले भी हो जाएंगे,
दांत भी सुंदर होंगे, है ना, इसलिए आंवला खाना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए बरेली में फर्नीचर और सहारनपुर में कागज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। देखिए आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है, चावल भी होता है, तिलहन होता है। अब यहाँ पर देखिए कपास जो दिया गया है, आप कहेंगे सर कपास की बात करते हैं तो कपास जैसे आपके गुजरात एरिया में यहाँ पर होता है, काली मिट्टी में होता है, जैसे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें जो आपकी रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें, रबी नाम का एक लड़का है और सर्दी लगेगी, तो आप कहेंगे सर सर्दियों में होने वाली फसलों को बोलते हैं रबी की फसल। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो रबी की फसल में जैसे गेहूं है ना, और क्या हो जाएगा, चना है, टमाटर है, जौ है, ये आपकी रबी की फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और आपके आपके लगभग अप्रैल महीने में काट ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापार के लिए आपकी उगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया गया गन्ना है ना, अब गन्ना अगर आप उगा रहे हैं तो आप चूने के लिए थोड़ा है कि उसको चूसने के लिए आपका हो कि एक बीघा गन्ना आप बो देंगे उसका गुड़ बना लेंगे और पूरे साल भर खाएंगे। मतलब गन्ना जो होता है वो सिर्फ व्यापार के लिए होता है कि आप उसे बनाएंगे बेचेंगे इसके लिए होता है, ऐसा नहीं कि खाली पेट सिर्फ गुड़ ही खाते रहे। तो याद रखिए जो वाणिज्यिक अर्थात व्यापार के लिए हुए वो आपकी गन्ना हो गया है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा है, तो देखिए आपका जो एनडी तिवारी नहीं रहे, बाकी मोतीलाल वोरा, वीवी गिर और रोमेश भंडारी आपके रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण जो मिलता है ना, लोग पास पास में रह रहे हैं, ये गाजियाबाद में रह रहे हैं क्योंकि जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है, गाजियाबाद में। मतलब एक किलोमीटर में देखा जाए तो लोग कितने निवास कर रहे हैं, 3971 लोग आपके हैं। ये 2011 का है, जब 2000 नया डाटा जब आपका होगा तो उसमें आपको परिवर्तन आपको जरूर मिलेंगे। अगला है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, तो देखिए अमृत सरोवर जो आपका उद्घाटन किया गया था ये आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, 83 नंबर में, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्लियर हो गया है। और यहाँ पर रामपुर जिले से किया गया था, ठीक है, पहला अमृत सरोवर जो आपका है रामपुर से किया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया है, अच्छा कितने लोग इस क्लास में जो लोग मिड डे मील कार्यक्रम अर्थात मिड डे मील के तहत मध्याह्न भोजन खाया है, स्कूल में कितने लोग हैं जो मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील जो आपका है उसे यहाँ पर खाए हैं, हाथ उठाइए कितने लोगों यहाँ पर फ्री में खाना स्कूल में खाते रहे हैं, किसी को मिला है या नहीं मिला है, नहीं खाए हैं, कौन कौन नहीं खाया है, हम भी खाए नहीं, आप स्कूल थ्रू में अगर स्कूल में पढ़ रहे हो थे तब खाए हैं कि नहीं खाए हैं, बाकी अभी की बात नहीं हो रही है, अभी तो ऐसे आपके पड़ोस में स्कूल होगा तो आप हीरो होंगे क्लास में, है ना, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चले गए पढ़ाने तो आप हीरो बन गए, तो आप वो खा गए वो बात दूसरी बात है, ऐसे बात कर रहे हैं कि आप पढ़ने समय आप क्या पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहे थे तब आपको मिड डे मील का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। चलिए यहाँ पर देखिए मिड डे मील कार्यक्रम जो है 84 नंबर में, वो ऑप्शन इनमें से होगा क्या, तो 84 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा सी नंबर है, याद रखिए 1995 में ये आपका शुरुआत हुआ था, है ना, मतलब जो कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ, है ना, सामाजिकता को बढ़ावा मिले, है ना, ये चीज़ हुआ था। और इसका जो ये सर्वप्रथम तमिलनाडु में आपके मुख्यमंत्री थे कामराज द्वारा शुरुआत की गई थी। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित अर्थात जो वैट है ये लागू किया गया था कब, यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैट जो आपका है 85 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2008 से ही वैट आपका लागू हुआ था। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है किस स्थान पर है, तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो दोस्तों अनुसूचित जाति बिजनौर जिले में आपकी माहीगीर है, कौन माहीगीर जनजाति है बिजनौर जिले में, नजीमाबाद क्षेत्र में आपकी है, यहाँ पर ये मछुआरा जनजाति मछली ज़्यादा पकड़ती है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब ये पत्रिका का नाम है बाल बोधनी, है ना, बाल बोधनी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्न स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है ये आपकी सहारनपुर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था, बिना ऑप्शन के दे सकते हैं, अगर आप बिना ऑप्शन के दे सकते हैं तो आज के हीरो आप कहलाएंगे। चलिए कब होगा, 90 में, 1937, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपका दिया गया है आपके सामने दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका कौन आ गया है, ये 1950 है। आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1937 में इसे दिया गया था संयुक्त प्रांत नाम, लेकिन पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश हुआ तो ये तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था ना इसका जो नाम है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, दोस्तों इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में, है ना, लेकिन जो आपके रामप्रसाद बिस्मिल है ना ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में आपके ये फंसे थे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे गया है जीटी रोड नहीं गुजरता है, देखो जीटी रोड जो आपका है वो आपके प्रयागराज से है, आगरा से है, मुगलसराय से है, लेकिन आपके अलीगढ़ से आपका नहीं गुजरता है। ये जो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, देखिए ये जो आपका स्टार्ट होता है ना हम लोग उत्तर प्रदेश में NH-19 के नाम से जानते हैं, है ना, पहले NH-2 इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में इस रोड का उत्तर प्रदेश में नाम क्या है, NH-19 है।
तो भैया देखा जाए तो आपका ये कहाँ से होता है, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेह, है ना, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता, ऐसे जाता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तो आप कहेंगे नरोरा, जो आपका दिया गया है नरोरा जो आपका है ये आपके उत्तर प्रदेश में आपका है। उत्तर प्रदेश में कहेगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और काकरा पार कहाँ है, गुजरात। यही चार आपको मिलेंगे, ये जो नाभिकीय संयंत्र से क्वेश्चन पूछेगा यही चार आपका पूछा जाएगा। अभी चारों को याद रखिएगा कि नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कहेगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरा पार आपकी गुजरात में है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्न से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, तो काली मिट्टी के लिए आपका जाना है जो आपका आजमगढ़ है ना, आजमगढ़ है काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, और इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था। यहाँ पर दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं या आपके सीमेंट का उत्पादन करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर दिया गया है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो इफको जो आपका है इफको ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये मिलता है ऑप्शन नंबर आपका बी आंवला, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बरेली में आपका याद रखिएगा इफको है ना, ये आपके स्थापित यूरिया कारखाना है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में नींबू जो होता है ये आपका साइट्रस लिमोन इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपके सहारनपुर और मेरठ में होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहते हैं, दोस्तों ये गरीब का मित्र कहते हैं और इसे कहते हैं आलू को है ना, आलू, और ये देखा जाए तो आज के समय में रईसों के लिए भी ये गरीब हो गया है, क्योंकि जब आलू भैया आपके 25-30 रुपया किलो मिले तो समझ जाइएगा कि अच्छे खासे रईस है ना, वो भी उनको समस्या होने लगती है आलू खाने में, कहेंगे इससे अच्छा तो अंडा है ना कि 8 रुपया के लेके आओ बना के खा लो आराम से, बढ़िया है सबसे अच्छा अंडा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर गरीबों का मित्र आलू नहीं रहा है ना, कस्तूरी हो गया है, याद आंसर आपका बनाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, याद रखिए ये जो आपका मूंग की खेती है ना ये लगभग 60 दिन में भी की जा सकती है, मसूर और चना होता है 90 दिन में है ना, अरहर होती है 260 दिन में, लेकिन जो मूंग आपकी होती है वो 60 दिन में ही आपकी लगभग तैयार हो जाती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, आभूषण बाजार, और आभूषण जो आपका बनते हैं भैया ये आपका मेरठ है, याद रखें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार जो आपका मेरठ है ना, शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से इसका नाम आता है। यहाँ पर 40,000 से अधिक कारीगर आपके इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया है कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है कितना, तो दोस्तों 48% यहाँ पर महिला आबादी हो जाएगी, बाकी बचा हुआ आपका यहाँ पर पुरुष हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, अनुसूचित जाति अर्थात SC की बात हो रही है, और SC की बात कह रहा है तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आपके सीतापुर में SC की संख्या आपकी क्या है सर्वाधिक है। यहाँ पर अगला दिया गया है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुई थी, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2001 में आपकी शुरू हुई थी। यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो आपके थे वो आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखो, अगला क्वेश्चन है मोतीलाल जो आपका नेहरू बाल संग्रहालय है ये कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। अगला है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहलाते हैं, बांदा जनपद में एक क्षेत्र पड़ता है पाठा क्षेत्र, यहाँ के निवासी खरवार आपके हैं, कौन से हैं, तो खरवार इसका आंसर राइट हो जाएगा, खरवार जनजाति आपकी पाई जाती है। अगला है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता का नाम है छाप तिलक सब चीनी ये किस भाषा में है, तो भैया ये जो आपकी है ब्रज भाषा में आपकी है, ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विख्यात भारत माता मंदिर जो आपका है कहाँ पर है, तो ये आपके वाराणसी में है ना, यमुना नदी किनारे अकबर का किला जो आपका स्थित है ना, प्रयागराज में जो आपका है, प्रयागराज में यमुना नदी किनारे जो आपका अकबर का मकबरा है, अकबर का किला वो पूछा जाता है। भारत माता मंदिर तो आप लोग जानते हैं वाराणसी में है, बाकी और भी छोटे छोटे मेरठ है, नौचंदी धाम, लखनऊ में इमामबाड़ा, ये हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला है चरकुला जो आपका मौसमी लोक नृत्य है, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था कि मौसमी नृत्य कौन सा है, तो कहेंगे सर मौसमी लोक नृत्य जो आपका है चरकुला है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों ये स्थापना लखनऊ में 1936 में आपकी की गई थी। अगला दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के जो गलियारे हैं ये आपके मिलते कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे ये गलियारे आपके झांसी में मिलते हैं, याद रखिएगा ठीक है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किए गए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलीगढ़ में ये आपके शुरू किए गए हैं सोलर ऊर्जा संयंत्र। अगला उत्तर प्रदेश की उद्योग बंधु की शाखा संचालन करता है 94 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 शाखा आपके इसका आंसर राइट हो जाएगा ठीक है, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर, ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग आपके बनते हैं, तो दोस्तों याद रखिए आपके कानपुर में कृत्रिम अंग बनते हैं। यहाँ पर दिया है भारत में रेल डिब्बे बनाने के जो नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं किस शहर में किए जा रहे हैं, दोस्तों आपके रायबरेली इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा है ना, रायबरेली जो कि लालगंज स्थान पर आपका है, और यहाँ पर देखा जाए भारत में रेल डिब्बा बनाने का यह तीसरा कारखाना है। यहाँ पर दिया है एक तो आपके तमिलनाडु में है, एक आपके जो आपके पंजाब साइड में है कपूरथला में, और एक आपकी यूपी में है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों द्वारा उद्योगों और उद्योग लगने में सहायता करता है, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों
वो उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायक करता है। ये जो ऑप्शन आपका डी दिया है उद्योग बंधु ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आम दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश आपका सर राइट हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन जो किया गया था, ये किया गया था आपके लखनऊ में, इसका ऑप्शन आपका बनेगा जो कि आपका बनेगा सी नंबर। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, दोस्तों याद रखिए उन्नत किस्म के बीजों का जो बढ़ता प्रयोग रहा है ये उत्पादन को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। चलिए फिर बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है UPSIDA का फुल फॉर्म होता क्या है, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट बताया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर 77.7% हो जाएगा। पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो भैया स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया है इसलिए जनसंख्या में वृद्धि ये आपके कुछ कारण आपके हो रहे हैं। अगला है स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, ये स्वावलंबन योजना महिलाओं को शिक्षण और कौशल प्रदान करती है, स्वावलंबन योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। अगला है उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, दोस्तों 2006 में एक कोड आपके स्थापित किया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, उत्तर प्रदेश का जो बायोटेक पार्क है ये आपके लखनऊ में है याद रखिएगा, ठीक है, हस्त संकुल अवस्थित है, वाराणसी में है। अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुविवाह प्रथा को औपचारिक यहाँ पर करती है, तो दोस्तों बहुविवाह प्रथा जो आपकी है जौनसारी में है, किसमें है, ये जौनसारी मुख्य रूप से पाई जाती है उत्तराखंड की जनजाति है, यहाँ पर बहुविवाह प्रचलित आपकी है याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवित्री जो दी गई है महादेव वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, महादेव वर्मा का जन्म फरुखाबाद में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका दिया गया है डी नंबर। अगला है प्रसिद्ध सूफी संत वारिज हाजी अली शाह की मजार पर मेला जो लगता है ये दोस्तों देवा शरीफ में लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये जो प्रारंभ हुआ था 1975-76 में प्रारंभ हुआ था, जो दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष भी इसको माना गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था, 1856 में अवध राज्य का विलय आपकी किस में ब्रिटिश राज्य में हुआ था, अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह है ना, इन्हीं के शासन पे कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश राज्य को मिला लिया गया था। अगला है ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहेंगे सर आगरा और ग्रेटर नोएडा, जो आपका 165 किलोमीटर लंबा लेन मार्ग आपका है ये है आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, हाल ही में देखा जाए तो इसे बढ़ाकर 8 लेन का प्रस्ताव भी जारी हो चुका है। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों आपके 1983 इसका जो आंसर है 1983 में यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो आपका है वो आपका वाराणसी में है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी उत्पादन के लिए, यहाँ पर गत्ते उत्पादन के लिए कागज है ना, लुगदी जो कागज होता है उसके उत्पादन के लिए है, तो दोस्तों ये जो आपका बिजनौर जिला आपका है बिजनौर, ठीक है, यहाँ पर लुगदी से और कागज से बने गत्ते आपके मिलते हैं। और यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, सीमेंट चाहिए चुर्क जाइए, कागज आपको तो सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो आपको नोएडा, और फर्नीचर लेना है तो आपको बरेली जाना है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग आपका नहीं है, देखिए उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आप कहेंगे सर सीमेंट उत्पादन है, चीनी है, कपड़ा है, ये जो ऑटोमोबाइल आपका है ये उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग आपका नहीं है दोस्तों, है ना, प्रमुख उद्योग लगा दिया है, अब आपके यहाँ सीमेंट, चीनी, कपड़ा है लेकिन ऑटोमोबाइल आपका यहाँ पर नहीं है याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में ही है आपकी कुशीनगर में है याद रखिए, कुशीनगर में है, सिवरी नामक स्थान पर आपका याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आलू के उत्पादन में भारत जो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका है क्या, तो आप कहेंगे आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो आपका है वो आपका पहला स्थान है ना, बड़ा महंगा आलू रहता है, जब सीजन आता है तो ऐसे घूमते हैं और जब सीजन नहीं होता है तो भी हवा में उड़ता रहता है, कहेंगे 30 रुपया किलो, 60 के 2 किलो है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल आपकी उगाई जाती है, तो सोयाबीन की जो फसल है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में, जैसे आपका जालान, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा है ना, यहाँ पर आपकी खेती की जाती है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच इकाई, कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल फैक्ट्री जो आपकी है ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ये आपके लालगंज शहर है आपकी रायबरेली में है, ऑप्शन आपका ये बनेगा, इस क्वेश्चन दिया गया है। और आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, ठीक है, देखिए आपका कानपुर हो जाएगा, वैसे आपको मालूम है सबसे पहले में गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर कानपुर आता है, और रैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। यहाँ पर अगला उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण आपका होता है, यहाँ पर 83 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर रामपुर, इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है सर्वाधिक केंद्रीकरण आपका रामपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश जिले को चुना गया है, तो हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं तब पता चलेगा।
यहाँ पर ऑप्शन देखिए जालौन हो जाएगा, है ना, जालौन आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी मुख्य जो होता है वो आपका यहाँ पर 85 नंबर में ऑप्शन बनेगा, वो आपका राइट सी हो जाएगा, जिला कलेक्टर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, चलिए उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो आपका है कहाँ पर है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जिले में आपका है ना, यहाँ पर आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है, दोस्तों 2003 में ये आपके 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था, 2003 है, याद रखिएगा। अगला है बधाई कौन सी विधा है, बधाई, बधाई की बात करते हैं तो बधाई जो आपका है बुंदेलखंड का लोक संगीत है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कनक भवन कहाँ है, तो देखिए कनक भवन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अयोध्या में है, यहाँ पर कामत गीत पर्वत चित्रकूट में आपका है, ठीक है ना, कामत गीत पर्वत चित्रकूट, कलिंजर आपका बांदा हो जाएगा, देवा शरीफ आपके बाराबंकी में हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र शासकीय केंद्र की स्थित है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में, क्योंकि जब मध्य लगा देता है तो आप समझिएगा आपका प्रयागराज हो रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, यहाँ पर दिया है 84 गुंबद, ये जालौन में है, कहाँ पर है, जालौन में। जामा मस्जिद कहाँ पर है आपके, मुरादाबाद में, जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है आपके, कुशीनगर में है। कामतगिर पर्वत कहाँ पर है, चित्रकूट में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, दोस्तों ये आगरा और नोएडा है ना, जो ऑप्शन सी दिया है राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका ललितपुर है जहाँ पर आपका तांबा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, 94 में ये आपका लखनऊ है, याद रखिए लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में जो सुरमा उद्योग है जो प्रसिद्ध आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन और औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन और औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा, बृहत नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये औद्योगिक क्षेत्र आपका है। अगला है ब्लैक वाटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो आपका GI टैग है, ये किस स्थान से संबंधित है, ब्लैक वाटरी के लिए, ब्लैक वाटरी के लिए जो जाना जाता है निजामाबाद जाना जाता है, ठीक है, निजामाबाद, यहाँ पर निजामाबाद ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, आजमगढ़ में पड़ता है, काली मिट्टी के बर्तन है ना जो होते हैं उनको ब्लैक पॉटरी कहते हैं, यहाँ पर GI टैग में सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो है वो आपके कहाँ पर है, तो ये आपके आलमबाग आप जानते हैं लखनऊ में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका दिया गया है 99 में, तो ये आपका आम हो जाएगा, इन ऑप्शन में से देखा जाए तो आम हो जाएगा। और अगला निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आपको पढ़ाया गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये कह रहा है सर्वाधिक आपका दिया है, सर्वाधिक आपका चना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में उत्पादन जो हो जाता है दलहनों में से मूंग का होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र जो आपके है आपके दलहन में तो आपका चना का है, तो इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चना हो जाएगा। इनमें से चिकनकारी जो साड़ियाँ हैं आप लोग जानते हैं कि भैया ये जो आपका मिलता है आपके कहाँ मिलेगा, लखनऊ में, लखनऊ चिकनकारी साड़ियों अर्थात सुंदर कढ़ाई के लिए यहाँ पर जाना जाता है चिकनकारी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका सोनभद्र है जहाँ पर आपकी जनजातियाँ हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से, अब जनसंख्या दिया है तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद अर्थात जो प्रयागराज है यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य जो आपका है यहाँ पर 84 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में कितने बराबर होता है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में कितने बराबर होता है, ये आपसे कह रहा है, तो दोस्तों ये जो संभागीय आयुक्त होता है या जो सचिव होता है, संभागीय आयुक्त या आपका जो सचिव होता है उसके यहाँ पर कह सकते हैं प्रशासनिक सेवा के संभागी में ये समकक्ष माना जाता है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला है भारत कला भवन कहाँ पर है, भारत कला भवन जो आपका ये कहाँ पर है 86 नंबर में, तो ये आपके बनारस में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, 87 में ऑप्शन बी हो जाएगा तड़वी, क्या है तड़वी, ये आपका नहीं है, बाकी सहरिया थारू और बुक्सा ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण आपके हैं, तो भैया रामलीला रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण जो आपके हैं 88 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक नाट्य और लोक नृत्य शैली ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है आला जो आपका है कहाँ का लोक संगीत है, आला, आला की बात करते हैं तो आला तो आप लोग जानते हैं सर ये बुंदेलखंड का आपका है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए बटेश्वर मेला आगरा में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, ना कि जौनपुर में, गलत हो गया, संकिसा फरुखाबाद हो जाएगा, बिठूर आपके कानपुर हो जाएगा। अगला निम्न में से अमीर खुसरो किस स्थान पर आपके संबंधित है, तो अमीर खुसरो जो आपके थे ये आपके पटियाली, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक आपकी बुलाई गई थी,
ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कानपुर, इसका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी नंबर कानपुर हो जाएगा। अगला है मथुरा डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएं हैं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, दोस्तों ये की गई हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है, दोस्तों ये आपका भदोही है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना आपकी नहीं है, 95 में ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर थीम पार्क आगरा है, मेगा फूड पार्क बरेली है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी है, लेकिन डिफेंस पार्क जो शाहजहांपुर है ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की निवेश योजना आपकी नहीं है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है सुमूलित नहीं है यहाँ पर 96 में, तो आप देखेंगे सर डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना वाराणसी है आप कहेंगे सही है, इंडियन टेलीफोन आपके नैनी में है, मॉडर्न बेकरी आपके लखनऊ में नहीं है, आपके कानपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो कालीन नगरी है आपकी भदोही को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में टीरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है, यहाँ पर 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा सोवियत रूस, जो कि ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, तो उत्तर प्रदेश की अनाज फसलों में चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक आपका है, यहाँ पर दिया है 100 नंबर में और 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा गेहूं, आलू और गन्ना, जिसका भी ऑप्शन है आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा।